ओहो, नेचुरल पार्क बबेली। जी हाँ, ये हिमाचल प्रदेश के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में है। ये प्रवेश द्वार है और ये इधर टिकट काउंटर है जहाँ से सेठे साहब ने टिकट लिए हैं। कुल्लू में, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में ये ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच बसा हुआ है। ये जी हाँ, ये देखिए, वहाँ से आए हैं हम। ये पहाड़ियों से घिरा हुआ कुछ किलोमीटर दूर है कुल्लू से। ये अब अपन अंदर चलेंगे। ओ हो, क्या सौंदर्य है। अंदर देखते हैं नेचुरल पार्क कैसा बना हुआ है। ये देखिए, ये दीवालों पे पेंटिंग भी करी हुई है, खूबसूरत। आइए अब प्रवेश करते हैं। जी हाँ, आए आइए। इस गेट से प्रवेश करते ही ये देखिए, पूरा हरियाली से भरा हुआ ये बना हुआ है नेचुरल पार्क। अभी अपन पास से भी देखेंगे। जी हाँ, ये चलते हैं अपन आगे और देखते हैं क्या क्या है। ये सब मॉडल बना के रखे हैं। ये सैफल तैरती हुई महिला है यहाँ पर। और ये देखिए, ये क्या बनाया हुआ है, ये एनिमल्स क्या बनाया है। ये ऊपर गणेश जी का दिखाई दे रहा है। वाह भाई वाह। चलिए, ये ओहो, काफी बड़े एरिया में फैला हुआ है ये। और लिखा भी है, नेचर पार्क बवेली में आपका स्वागत है। जी हाँ, ये पानी दे रहे हैं पौधों को। इस तरफ भी है और उधर नीचे तक फैला हुआ है ये। उधर पुल से भी जाएंगे उस पार अपन। ये आइए, अब ये ऊंचे ऊंचे पाइन के वृक्षों के बीच से होते हुए चलते हैं अपन। ओहो हो, ये देखिए, ये चीड़ का बड़ा सा वृक्ष है, ये ऊपर तक। आहा, ये ऊंचे ऊंचे इसी तरह से चीड़ के वृक्ष चारों तरफ लगे हुए हैं। ये जो दिखाई दे रहे हैं ना, यहाँ से वहाँ तक, ये ऊंचे ऊंचे, और इनमें ये लगे हुए हैं ये इस प्रकार के। ये देखिए, ये गिरा हुआ था जो मैंने आपको बताया। ये जलाने के भी काम आते हैं। जी हाँ, ये चीड़ के वृक्ष का ही है जो ऊपर से फूल नुमा है और सूख के ये ऐसा हो जाता है। वाह भाई वाह, ये पानी भी बहता हुआ आ रहा है छोटे से नाले के रूप में। ये इस तरह से पानी दिया जाता है ना सब पेड़ पौधों को। ये वहाँ तक, जहाँ तक दृष्टि डालिए, खूबसूरत ये रास्ता बना हुआ है। इस तरह से गोल घूम के चारों तरफ से आप घूम सकते हैं। ये साठे साहब आगे आगे चले जा रहे। ये दूर आपको जो दिखाई दे रही है, राफ्टिंग के लिए वो नावें रखी हुई हैं। ओहो, बल्कि आप जाते जाओ, वे पूरा ले लोगे। वाह, अद्भुत। अरे अच्छा, ये व्यास नदी है। जी हाँ, इस व्यास नदी में राफ्टिंग करते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया बहाव है। जी हाँ, ये जो पार्क का भी मैंने बताया ना आपको, ये सीढ़ियाँ चढ़ के और ये दृश्य दिखाई दे रहा है, अद्भुत। वास्तव में बहुत ही शानदार, कितना बढ़िया बहाव दिख रहा है ये नदी का। वाओ, वास्तव में बहुत ही बढ़िया ये नेचुरल पार्क कुल्लू का, कुछ किलोमीटर दूर है बबेली में। वाह,
जरूर आना चाहिए इधर, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच घिरा हुआ है। ये देखिए घुमा के फिर एक बार बताती हूँ मैं आपको, और आगे चलते हैं। एक बार फिर इस नज़ारे को आँखों में भर लीजिए। आ हा हा बहुत ही खूबसूरत। मार्च 2022। आइए ये व्यास नदी का शोर सुनिए, ये पानी का शोर है। जी हाँ, ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच में, ओ उधर बर्फीली पहाड़ी भी दिखाई दे रही है हिमालय की। ये व्यास नदी का शोर कुल्लू में। अब अपन इसके सेंटर में चलते हैं। आइए, जो छतरी बनी हुई है इससे बस अब अपन चलते हैं इधर आगे की तरफ। ओहो, ये डस्टबिन भी कितना बढ़िया लेके बैठा है। ये इस तरह से छोटे छोटे वृक्ष भी अच्छे लग रहे हैं। ये देखिए, ओहो ये देखिए, अरे वाह, मयूर राजा राष्ट्रीय पक्षी मयूर बना हुआ है। ये देखिए यहाँ से, वाओ गजब, वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। ये पेड़ पौधों को भी देखिए काट छाट के किस तरह से खूबसूरत करा। ये छोटी छोटी उससे होते हुए, नेचुरल पत्थरों से होते हुए ये अपन घूम रहे हैं यहाँ नेचुरल पार्क में कुल्लू के। ये चारों तरफ काट छाट के बढ़िया बनाया हुआ है। ये और आगे चलते, ये शेर दिखाई दे रहा है। हाँ, मैं अभी आपको पास से बनाती हूँ, ये बताती हूँ। ये सब मॉडल से बना दिए हैं इन्होंने। ये वाह क्या बात है, ये देखो ये प्रकृति के नेचर के बीच ये सब है। तो आखिर नकली वास्तव में सामने आ जाए तो वाह भाई वाह। व्यास नदी ऊपर, ऊंचे पहाड़, ये प्रकृति में बनाया हुआ खूबसूरत नेचुरल पार्क। जी हाँ, पबेली नेचुरल पार्क कुल्लू 2022। देखो धरती पे भी कैसे फूल खिला है, और ये वाले ये कितने खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। हाँ वाह 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 वाह, ये देखिए ये फूल, वाह कितने अच्छे हैं। ये खत्तखुनी मॉडल बना हुआ है हाउस का। ये धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए चल रहे हैं। तो एक और है भाई यहाँ पर, अरे वाह भाई वाह, ये भी एक है शेर राजा लायन। वाओ, ये पुल के उधर से ये नीचे से व्यास नदी का पानी आता हुआ ये इधर इकट्ठा कर लिया है। ये देखिए, ये दिख रहा है ना आपको ये। हाँ ये वाह भाई वाह, ये उधर किड्स जोन बना हुआ है, घिसर पट्टी और बहुत सा कुछ खेलने का। ये किड्स जोन है पहाड़ों के नीचे ही बना हुआ। मैं ये गरुड़ दिखाई दे रहा है ये पानी के बीच, और वो जो है ये तो तीतर दिखाई दे रहा है। आइए पास से देखते हैं और बताती हूँ आपको। जी हाँ, ये किड्स जोन के पास में ये, ओहो कितना खूबसूरत बनाया है। वाह भाई वाह, बच्चों खेलने का है लेकिन बड़े भी आनंद लेते हैं यहाँ पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच में किड्स जोन में। पार्क कुल्लू में, ये देखिए ये नेचुरल पार्क में बोटिंग भी हो रही है। जी हाँ, ये बोट में लोग बाग बैठे हुए हैं और बोटिंग का आनंद ले रहे हैं। ये यहाँ से ये बोट लेके
ये देखिए कुछ लोग बैठ भी रहे हैं उसमें, और फिर बोटिंग का आनंद लेंगे। ये जो देखिए ये नावें जा रही हैं, ये ऊंचे ऊंचे वृक्ष के नीचे, ये ऊंचे ऊंचे पहाड़, और नीचे पानी व्यास नदी का इधर लाया गया है, और फिर इस तरह से वोटिंग होती है। वाह भाई, ये जा रही है वोटे, पाँव से चलाना पड़ता है उसको। जी हाँ, ये देखिए ये रोड है उधर, अब अपन इधर से चलेंगे। आइए ये यहाँ से होते हुए अब वापस चलते। ये देखिए गेट से प्रवेश करते से, जी हाँ ये कुल्लू नेचुरल पार्क का बता रही हैं 2022। ये देखिए ये एक मॉडल बना है, ये वृक्ष है, ये काट रहे हैं, तो ये जितने भी जानवर हैं ये बनाए हुए ना मॉडल के, ये दुखी हो रहे हैं। जी हाँ ये देखिए ये बंदर जो दिख रहा है ये रो रहा है, वो गिलहरी रो रही है। जी हाँ देखिए ना, ये और पास से दिखाती हूँ, ये गिलहरी रो रही है, उधर वो सियार, इधर हिरण, ये भालू, ये सब कैसे भाग रहे हैं और दुखी हो रहे हैं, ये सब दिखाई दे रहा है ना आपको। और ये लकड़ियाँ काट काट के इन्होंने ऐसे तैयार करके रखी हैं, इसका मतलब ये है कि आप कभी भी पेड़ पौधों को ऐसे काटिए मत, नेचर को रहन दीजिए जीवित। ओके, कितना अच्छा संदेश दिया है, ये संदेश लेते हुए अपन भी अपने घर की ओर चलते हैं।